यार की करना पे अंदर सर उनकी मदद से हम क्रॉस करते होते थे ये। अभी जी हम पहुंचे हैं रायपुर ब्रिज। बहुत शदीद गर्मी के बाद बड़ी मुश्किल से पसीने पसीने होकर पहुंचे हैं। इतना 10-15 मिनट रेस्ट ही है बाइक तो। अब जा रहे हैं जी रायपुर पतातू विलेज, देखते हैं जी क्या बनता है आज। गर्मी भी काफ़ी शदीद किस्म की, धूप फुल है। मोबाइल कह रहा है अभी कम टेम्परेचर कूल होगा तो फिर वीडियो स्टार्ट होगी। अब मैं दूसरे मोबाइल पर कर रहा हूँ जिस पर मैं पहले शूट नहीं कर रहा था। तो अब आपको रोड दिखाते हैं। टोटल तातू विलेज यहाँ से ऑलमोस्ट 11-12 किलोमीटर है, लेकिन टाइम काफ़ी लगता है, कोई आई थिंक 1.5 घंटा के आसपास तो पक्का है जी। गाइस राइड स्टार्ट हो गई है, शुरू करते हैं जी। अल्लाह के नाम से सुभान अल्लाह बिस्फखर लहू मुकरिन वाइना इल्ला रब्बना लाहुन तालिबून या अल्लाह पखेर खैर अल्लाह। बड़ी देर से ड्रीम था भी ये तातू विलेज जाने का ऑन बाइक पे। काफ़ी रॉकी रोड है लेकिन ठीक है अभी तक तो। पहली चढ़ाई तो इतनी खास मुश्किल नहीं, लेकिन अभी ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी थी। ओह पत्थर ही पत्थर, ये सामान साथ लेके आने वाला डिसीजन गलत है। साथ आपको भी दिखाते हैं जी 70 का कमाल। आतिफ भाई को पता नहीं क्या पता वो क्यों रुक गया था। हाँ रोड प्रिंट्स आ गई है भाई, रोड प्रिंट्स आ गई है। व्लॉग देखे हुए हमने यूट्यूब पे कि क्या सीन होता है इधर, लेकिन हमने बबून किया हुआ है तो लोग कहते हैं यार बबून के सामने भी कुछ भी नहीं। हाँ पथरीला ज़रूर है लेकिन चढ़ाइयाँ उस लेवल की नहीं है जितनी बबून टॉप की तरह। ये तो बताएं कुछ दुश्मनी निकालने के लिए उन्होंने खुद रोड ख़राब किया। कट पर वैसे भी थोड़ी मुश्किल होती है लेकिन अभी तक ठीक है। अभी तक कुछ नहीं, ये नहीं कि बाइक बड़ी तंग है। देखिए अब मेरे सामने 70 जा रही है 18 मॉडल, उससे आगे जा रही है धूम 12 मॉडल और सबसे आगे जा रही है जी रोड प्रिंट। अभी नीचे एक आतिफ भाई उनके पास 150 है और एक मुदस्सिर भाई उनके पास 125 है। 125 इधर के लोकल लोग काफ़ी लेके जाते होंगे, लेकिन ये छोटी बाइक से ज़्यादा इशू। ऊपर से हमने सामान भी नीचे नहीं रखवाया हुआ, वेट कम हो जाए ना तो बड़ा जीप स्ट्रेंथ हमने पूछा था तो वो तक 14,100 रुपया कह रहे थे जीप का। क्लच बिल्कुल भी मैं यूज़ नहीं कर रहा, सिर्फ गियर चेंज करने के लिए या लगाने के लिए। उसके अलावा क्लच से मेरा कोई रिलेशन नहीं है आज, क्योंकि क्लच यूज़ किया ना तो क्लच रॉड उड़ने का बड़ा खतरा है। ट्रैक जो बदलना है ना वो सबसे मुश्किल है। एक ट्रैक में रहो बाइक भी आपकी तरफ सेट रहेगी और सुकून से आती रहेगी। ट्रैक कर सकते हैं जी और सिर्फ रॉक की रोड है, टोटली पत्थर ही पत्थर है। बाइक उछल उछल के मार रहे हैं, शुक्र अभी तक सामान ज़्यादा अभी हिला नहीं इतना ज़्यादा। ये सहमति है, ये सहमति है, ये भी सहमति है। ये 12 मॉडल है धूम, ये भी, ये 18 मॉडल है, ये 125 है, वो 150 है हमदा बाइक।
हाँ जी मुदसर भाई चार से आ रही है इजी नहीं है मुश्किल है। आज आधे बजे जा रहे थे अली भाई गिर गया, उसकी बाइक सिर्फ पहले में जोर लगाती है और वैसे सेमेंट ही आएगी पहले गियर में, दूसरा तो लगेगा भी नहीं। तो जी उसको नहीं बन दूसरा लग रहा तो उसको क्या लगना, स्टीयरिंग पे कंट्रोल इधर सबसे ज़रूरी है। अगर आप आएँ अगर आपका स्टीयरिंग पे कंट्रोल है तो इधर आने का पंगा ले लें, वरना ज़रूरत नहीं है। ये चेक करें कितना गंदा है, दोनों पाँव दोनों साइडों पे रखें ताकि जिस तरफ को भी जाने लगे उस तरफ पाँव लगा दिया था, जैसे मैं ले प्रिकॉशन है ना तो खोलोगे। रजमान खबे कर ला खबे कर ला अब आई थिंक चढ़ाई कम आएगी थोड़ी। हाँ वैसे प्राइवेट अपनी कोई भी 4x4 व्हीकल या जीप वाले नहीं जाने देते, सिर्फ बाइक को जाने देते हैं। उनको पता है वहाँ बहुत कम रिस्क लेती हैं, हमारे जैसे थोड़े जो बड़े पैशनेट बाइकर हैं वो तरह या जिनको टूरिज्म एक्सप्लोरेशन का ज़्यादा शौक है उन्होंने पंगा लेना है। रोड कंडीशन आप देख सकते हैं बाइक का अगला टायर हवा में डला गया ना गंदा, तो खड्डे ही खड्डे जितने वो पूरे रास्ते में नहीं खड्डा मिल गया जितने सिर्फ एक रोड पर लगी जा। पीछे से हॉर्न की आवाज़ आई थी, मैं देखूं क्या हुआ। रेस्ट बाइक को रेस्ट देने लगे हैं दोबारा से भाई, छोटी बाइक ज़्यादा हीट अप हो रही है। मैं अभी बाइक बंद करके नीचे जा रहा हूँ। नहीं मैं खराब कर ले घंटे से खिलार देंदा ये घंटे से खिलार देंदा वो नहीं घंटे से खलोगी तो क्लच प्लेट गई एक बार भी खलोगी एक मिनट खलो मैं खलो के चलाना मैं पता मैं अगे आई पिछले मैं सा लाए ला चलाई मैं आई एक चिड़का जवा ही जिन्हें चोरता जवा आई चोरता आज जी मोटरसाइकिल नहीं है आज जी मोटरसाइकिल ये बेहतरीन जानी की अभी बेहतरीन अभी बेहतरीन की मसला की हुआ
ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਦੋਨ ਮਾਡਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋ ਗਾ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜਦੇ ਉਹ ਜੋ ਲੱਗਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਹੀ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਉਧਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨੀਵੀਂ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਂ ਅੱਪਰ ਚੱਲੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਹਲੇ ਤਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਓਏ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤਾ ਦੱਸੋ ਚਲੋ 3 ਕਰ ਲਾ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਹਲੇ ਤਾਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤਾ ਓਏ ਆ ਜਾਣੇ ਕੀ ਹੈ ਅੱਛਾ बोतल भर के पी के टंग ले चश्मे गरम अग वर्गा खलोते प्यास यार लगी पानी नहीं है जितना आप ऊपर से घर के टर्न लोगे वाइड उतनी बाइक आपकी आराम से चढ़ जाए इस तरह का हो ना तो फिर कोई मसला नहीं ये वाला ना इतना कोई मुश्किल नहीं है नीचे तीन चार चढ़ाइयाँ थी वो शदीद जिसे कहते हैं ना हार्डेस्ट पत्थर ही पत्थर ये इस तरह का हो तो बड़ा मज़ेदार है फिर तो कोई मसला ही नहीं है ना ये पहले को देखें पहले रास्ता दे देना चाहिए ये ना बाद में आपका मोमेंटम तोड़ते हैं तो चढ़ाई पे पीछे चलने से भी रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है वो देखें जी धूम जा रही है हमारी इस बाइक की किसी को उम्मीद नहीं थी कि यहाँ तक मेन रोड से पहुँच जाएगी लेकिन देख लें जी सातों वेलीज पर जा रही है हमने इनसे कहा था कि आप जीप करवा दो लेकिन ये कहते हैं अगर तुम लोगों ने चढ़ानी है अपनी जी तो हम भी चढ़ाएंगे कहते हैं जब ना चढ़ेगी ना फिर देखी जाएगी हमने कोशिश ज़रूर करनी लेकिन लेके जा ही जा रहे हैं हमारी और सस्पेंशन अच्छी है हमें फिर भी ज़रा मसला कम है आज एक दिन तो ऑफ रोड का पूरा हो गया जी अब दो रह गए हैं एक दूरी टॉप करना है और एक शमशाल शमशाल ज़रूर करना है जाम रेस्ट करने के बाद स्टार्ट करना ये पैच उस पर नीचे वाले पैच पर काफ़ी बेहतर है जो मिड भी आया था ना पैच वो बड़ा जालिम पैच है बहुत ही जालिम पैच है वो और कोई पता नहीं शौक हो रहा है या मोटिवेट कर रहा है समझ नहीं आ रही नीचे से जीप आ रही थी मैं देखी तो इस वजह से मैं तरह जल्दी कर लिया स्टार्ट तो जीप के साथ साथ चलते थे ये अब जो डेंजरस पार्ट है ना वो आ गया देखिए अब रोड बड़ा नैरो हो गया जब देखते थे वीडियोस में तब लगता था यार बड़ा ही औखा होना है बड़ा मुश्किल होना है जब स्टार्ट कर दिया ना ऊपर आना अब वो डर ख़त्म हो गया एक तरह से आने से पहले ज़रा थे ही झिझाहट हो रही थी लेकिन अब वो नहीं कम हो गया बड़े पत्थर भी लूज पड़े हैं उधर चेक करें जिधर तो फुल नैरो है
बस हमारे पास पानी भी ख़त्म हो गया है, प्यास भी फुल लगी हुई है और कुछ भी नहीं है पीने के लिए। अभी यह ज़रा डेंजरस पाथ है पैच, उधर रोड काफ़ी नैरो हुई था, पीछे रोड नैरो कम नहीं था लेकिन लूज लूज रोप रोप पड़ी ज़्यादा। आप तो बस पीड़े मारी जा रहे हैं भाई, समय से बाहर ट्रैक वाकई बबून से कम मुश्किल है। बस आप जब अगर कोई आना चाहता है तो वो ये ज़रूर करेगा अपना सामान जो है ना वो नीचे छोड़ के आ जाए, सामान गिरने की वजह से ना बड़ा काम ख़राब हो रहा है। ऊपर गर्मी की वजह से मैंने जैकेट भी पीछे रखी है अपनी उतार के, वैसे तो पहननी चाहिए ऑफ रोड तो यही है इधर गिरने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि पहनी नहीं जा रही थी। पता नहीं कितना रह गया, वैसे जीप के बाद हमने तकरीबन कोई 2.2 किलोमीटर सैर लिया, टोटल आई थिंक 11-12 किलोमीटर, तो पहले भी 4-5 करके आए थे हम, तो 2-3 ही रह गया होगा ज़्यादा से ज़्यादा, 3-4 रह गया होगा मैक्सिमम। एक दफ़ा मैं सामान चेक कर लूँ, है भी चुके नहीं पीछे, है भी सारे सामान है अभी तक इतना कुछ था, सारा कुछ था अभी तक। आपको शायद देखने में इतना रोकी नहीं लग रहा होगा लेकिन वाकई में बहुत ज़्यादा पत्थर है, पर लूज पत्थर है। आहो मैं रेस स्लो इधर मैं लगता मैं रेस घट है, बाइक बंद हो जाती कभी कभी तीन सकिंटा फसला पा के रेस्ट ब्रेक दोबारा स्टार्ट कर दी है, जीप गुजरी है, कह रहा था कि यार 15 मिनट लगेंगे मैक्सिमम आप टॉप तक जाने में ना, वही यार ये किस तरफ में आ गए पत्थरों की वजह से टायर स्लिप कर ही जा रहा मेरा था। ये एक पहला दरख्त नजर आया मैं इस रोड से, इस तरह का रोड हो फिर तो मज़े हैं, फिर तो कोई मसला ही नहीं है ना। अब ज़रा रोड की थोड़ी समझ आ रही है कि किस तरह से चढ़ाएंगे तो बाइक ज़रा सही रहेगी, बाइक आगे से उठ रही, इधर वन वे स्टार्ट हो रही है भाई। अल्लाह करना पड़ेगा थ्रोट ऑलमोस्ट पहले गियर में बाइक आती है ज़्यादा टाइम से। आप एक ब्रिज आएगी वो आएगी तो उसके थोड़ा से नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं होते। चलते जाओ पानी के कोल चलो, पानी जिथे आ पानी पिए बड़ी प्यास लगी। ये जी शायद नागा पर्वत मुर्शिद है जिसका हम दीदार करने के लिए इतनी खजलगवारी कर रहे हैं, बाइकें तोड़ें खुद ही हड्डियाँ खुद को तोड़ें, चेक करें जी जो उसका फुल पोश हुआ पड़ा है। इस पैच पे आके ना जरा थोड़े से पत्थर कम है लेकिन है ज़रूर से, नीचे तो बहुत ही ज़्यादा है ना उधर, तो
क्या हुआ थोड़ा बक्सा पाके टुरो बक्सा पाके टुरो यार इधर हो गया थे जी बाइक का सॉरी जीप का टायर पंचर रास्ते में तो एक जीप अगर रुक जाए तो दूसरी तो आ नहीं सकती तो चढ़ाई भी बड़ी गंदी है ये अभी इसने टायर शायद चेंज किया यार की करना अभी हम दस चल ठीक है मैं लगा तू सीधे लगा जाने चार का डब्बा भी तेरा डिग पाया समान चार का डिग पाया आलू तेरे डिगते फिर दे आलू तेरे डिग पाया गंडा जहा फड़ वो तो फड़ लिया मैं दसा ने कैंपिंग के साथ भी होगा खाने खाने का सीन उसके बाद हम समान अपना साथ ही लेके जा रहे थे ये जी आ गई पुल पहले इस पुल की मदद से हम क्रॉस करते होते थे ये अब ये जी हमने रास्ता बना दिया प्यास तो लगी है लेकिन अब डिस्टेंस थोड़ा ही रह गया ऊपर जा के पीएंगे पानी घर नजर आने स्टार्ट हो गए ये पहली है जहाँ पे हम नीचे उतरने लगे वरना जब से हमने रायकोट से स्टार्ट किया चढ़ी जा रहे हैं बस चढ़ाई अब आगे थोड़ी सी ठंडक ठंडक फील हो रही है टफेस्ट स्टार्ट ऑफ माय लाइफ फेरी में डोस ट्रैक बबून था लेकिन वो इतना नहीं हुआ था जितना ये हुआ उसमें ये था धक्के शक्के बड़े लगाए थे हमने इधर ये धक्के शक्के नहीं लगाने पड़े किसी भी बाइक को फाइनली जी तातू विली दर्जरी मेडोज का ट्रैक हमने कर दिया अपनी बाइक पे जो इस टूर का सबसे टफेस्ट ट्रैक होना था वैसे ये तो ये दो दिन पहले हो जाना चाहिए था लेकिन वो बस हमारा जो चक्कर लगा ना ऊपर से मानसेरा से बेसल से वापस जा के जब हमें केस आना पड़ा चलास वो हमें बड़ा काम ख़राब हुआ और अभी तो काफ़ी लगता पड़ा हुआ वो ऊपर नहीं जाना पानी पी लेना चाहिए था यार पीछे से टायर स्किप कर दिया वो एकदम बड़ी स्पीड चढ़ाई थी इधर से जी पानी पिया हमने चश्मे से और फ्रिज जैसे फ्रिज से बंदा निकालता है ना फुल गर्मी में उससे भी ज़बरदस्त पानी है मज़ा आ गया पानी पी के पानी का टेस्ट भी इतना ज़बरदस्त था ना ओ थोड़ी गंदी चढ़ाई है और कितनी लंबी है बस ख़त्म हो जा रोड कंडीशन आपने सारी देख ली है जो फुल पैशनेट बाइकर हैं जिससे बस एडवेंचर चाहिए हैवी किस्म का वो बस यहाँ है जिसी को कोई खींच के लेके आ रहा है तो वो इधर आने की ना करे ना है क्योंकि उसके गले में पड़ जाना है मसला ये हमारी बाइक स्किप करने का रीज़न ये भी है कि हमारी बाइक के जो ना टायर है ना वो जेन्युइन है ऑफ रोड वाले टायर हो ना स्पेशल रॉयलकोट सिम्पसन वगैरह तो वो टायर स्लिप कम करते हैं और वो 5G लॉक बोर्ड ऑर्डर करवाते हैं तो इस वजह से वो बड़े सेट रहते हैं हमारे है भी जेन्युइन और हमारा 5G 99-18 ट्रैक इस वजह से टायर बहुत ज़्यादा स्किप करते हैं ये एंड है
एंड जी गाइस अब जी हम पहुंच गए जी तातू विलेज। जहाँ तक पहुँचे में हमें ऑलमोस्ट को 2 घंटे लगे हैं। काफ़ी टफस्ट राइड थी और डेंजरस भी साथ थी। इतने लूज रॉक्स आपने वीडियो में देखे होंगे। सो व्यूवर्स, नेक्स्ट अपडेट यह है कि जी अभी जो ये व्लॉग हम ख़त्म कर रहे हैं उसकी रीज़न ये है कि व्लॉग काफ़ी पहले लंबा हो चुका है, क्योंकि हम आपको रोड की सारी कंडीशन दिखाना चाह रहे थे, इस वजह से व्लॉग ज़रा लंबा हो गया था वीडियो। तो अभी जो नेक्स्ट ट्रैकिंग वाला वीडियो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे कंप्लीट डिटेल के साथ। अभी जो आपने हमारी वीडियो देखी है, होप्स आपको अच्छी पसंद आई होगी। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।